हाँ जी बताइए इंजीनियर साहब, क्या चेक कर रहे हैं? हेलो वेलकम गाइस, आज हम देख लेते हैं कि गटर की प्रोफाइल कैसे चेक होती है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये प्रोफाइल का चार्ट है, इसमें एक्स जो है वो हमारी लेंथ है, जेड प्रोफाइल की हाइट है, और अपना वाई जो है वो हाइट है, और जेड जो है वो चौड़ाई है इसकी जी। तो देख लेते हैं कैसे होती है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोफाइल है वो सेंटर से चेक होगी, क्योंकि सेंटर में हमारा जीरो है। तो करो चेक सेंटर से। सबसे पहले हमारी फर्स्ट केबल आएगी, जिसकी हाइट 80 mm होनी चाहिए। ये 70 आ रही है, लगाओ निशानी यहाँ पर। सबसे पहले प्रोफाइल चेक की, वही गलत आ गई। अब दो नंबर हम केबल चेक करेंगे, 280 आनी चाहिए, ठीक है 480। ठीक है, अब सेंटर से हमने 1 meter A1 साइड में जाना है, और 1 meter बाद में A2 साइड में जाना है। सबसे पहले 1 meter पे चेक कर लो, 1 meter, ये अपना मीटर, चलो करो चेक यहाँ से। सबसे पहले तीसरी नंबर केबल करो, 280, 480, ये 480। थोड़ा इधर को टेप दिखा दो, देखिए सर। हाँ ओके, चलो 350 करो चेक। ये 3, ये होगा सर अपना 3.5। जो हमारी प्रोफाइल होती है वो 500-500 की दी होती है, हर 500 मीटर में प्रोफाइल है हमारी। करो चेक करो, अभी हम इसकी हाइट चेक कर रहे हैं वाई एक्सिस, जेड बाद में चेक करेंगे। कितना 344, ठीक है 553, ठीक है 550 213। के बाद 945। ठीक है, हमने A2 साइड में चेक कर लिया है, अब हम A1 साइड में चेक कर लेंगे। ना भी करोगे तो कौन सा बचाल आ जाएगा? काम तो नहीं आएगा, लेकिन सारा लोड इस पे आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत ही मस्ती भी करनी चाहिए साथ में। ये उंगली लगा कर बताओ, उंगली लगा कर आदमी को पूरा पता चल जाएगा। ये सर जी ठीक है, 327। चलो आगे 534, ठीक है। ठीक है, 655,
एक दो एमएम का तो हमारा चल जाएगा 988। अब ये गलत है, इस पर मार्किंग करो, ये सही करनी पड़ेगी। कितना फर्क आ रहा है इसमें? इसमें 8 mm का फर्क आ रहा है, 8 mm बहुत ज़्यादा है। हम इसका जेड एक्सिस चेक करेंगे जो हमारी प्रोफाइल की चौड़ाई है। पिक्चर बना रहेगा सर, उसको बस ज़्यादा नहीं करेंगे, बस वीडियो में बता देंगे कि जेड एक्सिस कैसे चेक होता है। हमारे चार्ट में यहाँ पे दो सेक्शन हैं, स्टार्टिंग में हमारा गटर जो है वो 800 का है और आगे चल के 600 का है। तो हम पहले 600 पे चेक करेंगे, इस पे फर्स्ट प्रोफाइल की जो चार्ट है वो 80 mm का है और तीसरी वाला 255 का है, चौथा वाला 255 का है। इसी साइड तरीके से हमारा दूसरी साइड भी 80 mm ही रहेगा। पचास बढ़ा लो चैनल का, चैनल का 50 बढ़ा लो। थोड़ा ऊपर ले लो, बाहर निकाल लो, थोड़ा सा बाहर करो, बाहर करो। डाउन ना करे से बाहर कर, बस थोड़ा सा 20 mm बाहर कर, 20 mm और छोड़ दे बस। यहाँ पे तो हमारा 80 और 50 mm प्लस हो जाएगा चैनल का, तो ये कितना आना चाहिए? 130 आना चाहिए। चलो ठीक है, 800 वाले क्रॉस सेक्शन पे भी चेक करवा दो। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 180। यहाँ पे डाल रहे हैं, तो बंद लग रहा है अभी, बंद 180 यहाँ पे मिलना चाहिए, 50 mm चैनल का प्लस हो जाएगा। 800 से चेक करवाओ, 230 हो जाएगा टोटल। नहीं यहाँ पे की नहीं है अभी, नहीं कर रहे बस अभी साथ। एक चेक करवा दो, लगा के एक चेक करवा दो। अंदर कर लो, बाहर कर लो, कहीं अंदर फेस में ही कर ले, अंदर करो, अंदर करो। हमारे फोन में फोरमैन को बहुत फोन आ रहे हैं आज, पता नहीं क्या चक्कर है, किसी लड़की का तो नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा। फोरमैन भी ऐसा है कि ऊपर से इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन अभी तक फोरमैन ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। 180 होना चाहिए यहाँ पे जेड एक्सिस। दूध लाकर चाय बनवाओ भाई। नहीं यार अब तो बहुत लेट हो जाएगा, छोड़ो फिर कहीं पी लेंगे। दूध लाना पड़ेगा भाई, इसलिए खत्म हो गया ना अभी बनाई चाय ना। दो नंबर केबल है हमारी 180 mm। कितना आना भाई यहाँ से? तो 180 पकड़ कर रखो, डाल रखी जितेंद्र शर्मा, कल चेक करेंगे ना। सही गिरा ना सोल मारा। कितनी आनी भाई यहाँ से? तो 180 आनी चाहिए। 180 यहाँ पे बंद हो बस। तीन नंबर केबल हमारी आनी चाहिए 355। कान निकाल लो इसमें। तो सेंटर तो बंद हो गया एकदम।